देश की महिलाओं को लेकर अब तक की सबसे अच्छी खबर सामने आई है। सालों से जो बात चिंता का विषय थी, उस पर अब ब्रेक लग गया है, क्योंकि पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई है। आज तक जो भी आंकड़े सामने आते थे, उनमें हमेशा महिलाओं की संख्या कम और पुरुषों की ज्यादा पाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5 ने खुद इस बात की पुष्टि की है। NFHS 5 के सर्वे में बताया गया है कि देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन आंकड़ों को जारी किया है। इन आंकड़ों से ये भी साबित होता है कि भारत अब विकसित देशों के समूह में आगे बढ़ रहा है, जिसका श्रेय महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए उपायों को जाता है, जिनमें सबसे खास है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। इस योजना का मकसद था कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके और बेटियों को पढ़ाया जा सके, जिसका परिणाम आज दुनिया के सामने है। बता दें कि NFHS बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक सर्वेक्षण है, जिसमें हर परिवार से सैंपल लिए जाते हैं। NFHS 5 देश में 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, जिसमें वर्ष 2019-20 के दौरान हुए सर्वेक्षण के डेटा को इकट्ठा किया जाता है। इसमें पहले फैमिली और हेल्थ सर्वे वर्ष 1992-93, 1998-99, 2005-2006 और 2014-15 में आयोजित किया गया था। बता दें कि नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों की तुलना में अब से पहले के आंकड़े काफी अलग थे। 1990 के दौर में हर 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या महज 927 थी। साल 2005 और 6 में हुए तीसरे नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे में ये 1000-1000 के साथ बराबरी पर रहा था। इसके बाद 2015-16 के चौथे सर्वे में इन आंकड़ों में फिर से गिरावट आ गई। 1000 पुरुषों के मुकाबले 991 महिलाएं थीं, लेकिन पहली बार अब महिलाओं के अनुपात ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों में ये भी निकलकर सामने आया है कि सेक्स रेशियो में सुधार शहरों की तुलना में गांवों में ज्यादा बेहतर हुआ है। गांवों में हर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं, जबकि शहरों में 985 महिलाएं हैं। फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 4 में भी यही बात निकलकर सामने आई थी। उस सर्वे के हिसाब से गांवों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं थीं और शहरों में ये आंकड़ा 956 का था। फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5 के सर्वे ने देश में फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर को लेकर भी आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक देश में फर्टिलिटी रेट में भी कमी आई है। पहली बार देश में प्रजनन दर 2 पर आ गई है। 2015-16 में यह 2.2 थी। खास बात यह है कि 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट मार्क माना जाता है, यानी 2.1 की प्रजनन दर पर आबादी की वृद्धि स्थिर बनी रहती है। इससे नीचे प्रजनन दर आबादी की वृद्धि दर धीमी होने का संकेत है। सर्वे में एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई है। प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट या एक महिला पर बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। सर्वे के अनुसार औसतन एक महिला के अब केवल 2 बच्चे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों से भी कम है। माना जाता है कि भारत आबादी के मामले में पीक पर पहुंच चुका है। हालांकि इसकी पुष्टि तो नई जनगणना के बाद ही हो पाएगी। बता दें कि नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5 का सर्वे 2 चरणों में 2019 और 2021 में किया गया। देश के 707 जिलों के करीब 600,000 घरों में ये सर्वे किया गया। दूसरे चरण का सर्वे अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.